नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। युद्ध में आखिरी योद्धा भी जीत तय कर सकता है, ये तो आपने सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही राजनीति में भी होता है। ऐसे ही वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस के लिए या तो संजीवनी बनेगा या फिर एक और बड़ी सीट कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी। मगर कांग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है, इसीलिए उसने गांधी परिवार से ही किसी को यहां से उतारा है। जी हां, गांधी परिवार का गढ़ रही वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी इस बार दम भर रही हैं। वहीं प्रियंका को मात देने के इरादे से सीपीआई ने वहां उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। दरअसल वायनाड से 2024 में राहुल गांधी चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे, लेकिन राहुल ने रायबरेली को अपने पास रखते हुए वायनाड सीट को छोड़ दिया था। 2019 में राजनीति में एंट्री करने वाली प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका अभी तक संगठन का काम देख रही थी, मगर प्रियंका के लिए ये पहला चुनाव कांटों की राह पर होगा। चुनौतियां भी अपार होंगी, जो बता रही हैं कि वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी की राह आसान नहीं होने वाली। वजह क्या है, ऐसे समझिए। राहुल गांधी की वजह से वायनाड के पास करीब 6 महीने से सांसद नहीं है, विपक्षी पार्टी से मुद्दा बनाएगी। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की जीत की मार्जिन में काफी ज्यादा कमी आई थी। 2019 में राहुल 4,19,000 से जीते थे और 2024 में ये आंकड़ा 3,64,000 रह गया। इस बार सीपीआई ने स्थानीय और मजबूत नेता सत्यम मोकेरी को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, वायनाड में बीजेपी भी इस बार दमदार उम्मीदवार खोज रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल की वायनाड सीट पर 13% वोट मिले थे। 2024 में राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी के सुरेंद्रन को मैदान में बीजेपी ने उतारा था। इस बार अब तक बीजेपी ने नामों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी के भीतर महिला उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी स्मृति ईरानी को मौका दे। स्मृति ईरानी अमेठी से हारने के बाद फिलहाल खाली है, मगर उनकी पहचान कम नहीं हुई है। ऐसे में प्रियंका गांधी को मात देने के लिए स्मृति ईरानी पर बीजेपी दाव जरूर लगा सकती है। फिलहाल किसी को भी उतारा जाए, मगर जीतेगा यहां से वही जो इतिहास के हिसाब से रणनीति बनाकर चलेगा। यहां समीकरण क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के अधीन विधानसभा की 7 सीटें हैं। वायनाड सीट पर 40% मुस्लिम और 20% ईसाई हैं। इसके बाद यहां तकरीबन 9% से ज्यादा आदिवासी और तकरीबन 7% दलित हैं। यानी कि देखा जाए तो वायनाड सीट पर कांग्रेस के प्रियंका गांधी को उतारने के बाद बीजेपी पर भी धुआंधार उम्मीदवार उतारने की जिम्मेदारी है। अभी उम्मीदवार कौन होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, मगर इतना तो तय है कि मुकाबला जबरदस्त तरीके से त्रिकोणीय होने वाला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।